हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम एंड वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे शुभम चंदे। सो गाइस, थ्रू आउट लास्ट 2-3 मंथ्स आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। 12 से 18 हजार की फैमिली अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बट सपोर्ट करने से क्या होगा, अभी आप लोगों की जो एडमिशन है वो नहीं हुई है एंड स्टूडेंट्स काफी ज्यादा चिंता में है कि बीबीए बीसीए एंड बीकॉम की जो सेकंड काउंसलिंग है उसकी लिस्ट भी आ चुकी है एंड उनकी एडमिशन अभी भी नहीं हुई है। कहीं के 85% प्लस भी है फिर भी उनकी एडमिशन नहीं हुई है। तो गाइज, आज की इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखिएगा और इस वीडियो को देख करके आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। आप लोग अब क्या कर सकते हो उसके बारे में आप लोगों को आज की इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड पार्ट तक जरूर देखिएगा। वापिस आते हैं, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, आरजे शुभम चंदे इंस्टाग्राम हैंडल को, तो जल्दी से इसे फॉलो कर लीजिए एटलीस्ट तब तक जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती है। उसके बाद आप अनफॉलो कर दोगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप लोग तब तक फॉलो कर लीजिए जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती। और इसके साथ साथ ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, इसे भी फॉलो कर लीजिए। आज कल 2 दिन में 200-300 स्टूडेंट्स इस पर जुड़ चुके हैं और 1000 की फैमिली व्हाट्सएप पर हो चुकी है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जब तक आपकी एडमिशन नहीं है, उसके बाद जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब गाइज, आप लोगों की जो 2 लिस्ट है, सेकेंड काउंसलिंग की लिस्ट है, वो आ चुकी है, बीबीए बीसीए और बीकॉम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें एडमिशन मिल चुका है बट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अभी एक बड़ी लंबी कतार है जिसे एडमिशन लेना है और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो अब उन स्टूडेंट्स का क्या उन्हें एडमिशन मिलेगा ही नहीं? तो पहले तो उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनका इस लिस्ट में नाम है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो गाइज, आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है कल से यानी कि 18 जुलाई को। जनरल कैटेगरी के जितने भी आउटसाइड यूटी और यूटी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 10 एएम के बाद मैसेजेस आएंगे। फी पेमेंट आप लोगों ने करनी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए डीएचई की वेबसाइट पर फी पेमेंट करनी है। फी पेमेंट बहुत सिंपल है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जाना है, आप लोगों ने फी पेमेंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन भरना है, सर्च माई फॉर्म करना है, उसके डायरेक्ट नीचे आपको आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। अपनी डिटेल्स चेक कीजिए, सही है, पे नाउ पर क्लिक कीजिए, फीस पेमेंट होगी, फी रिसिप्ट आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगी। बस इतना सा आप लोगों को करना। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जो है वो आपकी लिस्ट जो है आपको ईमेल के थ्रू लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उनकी वेबसाइट पर जाकर के आप फी पेमेंट कर सकते हैं। फी पेमेंट जब लिंक आएगा उसके बाद ही होगी। तो गाइज, अब जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ है उनका क्या उनकी एडमिशन होगी ही नहीं, और अगर होगी तो कैसे होगी? तो यहाँ पर जब आप इम्पोर्टेंट डेट्स वाले सेक्शन पर जाते हो तो यहाँ पर डिटेल शेड्यूल पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है कि 20 तारीख के बाद जो है 20 तारीख के बाद जो सीटें खाली बच जाएंगी उनकी जो एडमिशन होगी वो कॉलेज लेवल पर होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है एडमिशन कॉलेज लेवल पर, ठीक है? तो कॉलेज लेवल पर एडमिशन के लिए गाइज, जो डीएचई के रूल्स है, अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स आप लोगों को जो कॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट्स। सो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी स्पोर्ट राउंड की, एडमिशन से रिलेटेड, फिजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड। बट अब यहाँ पर झोला ये होता है, जो झोलमेल होता है वो ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें ही नहीं पता चलती कि नोटिफिकेशन कब आ गया, कब उनकी सीट रिजर्व होनी थी वो किसी और कैंडिडेट को मिल गई है। तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें अनमैनेज्ड हो जाती हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए गाइज। आप लोगों को लास्ट 2-3 मंथ से मैं मेंटर कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ कैसे एडमिशन हो। तो आप अब मेरी ये बात भी मान लीजिए कि अगर आपको एडमिशन चाहिए बीबीए बीसीए बीकॉम में, तो अब आप लोगों को फिजिकली कॉलेज में जा करके अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी किन किन कॉलेजेस में आप फिजिकली प्रेफर कर सकते हैं? खालसा कॉलेज सेक्टर 26 मेल एंड फीमेल दोनों, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, एसडी कॉलेज चंडीगढ़, एमसीएम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, इन कॉलेजेस में तो खास करके आप जो है वो फिजिकल लेवल पर जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। बाकी कॉलेजेस में भी
यही होगा, बट उनके लिए एक प्रोसीजर होगा, होगा प्रोसीजर सबके लिए, पर जो कॉलेजेस मैंने आपको बताया वो प्रायोरिटी बेस पर आप लोग उनमें फिजिकली जाकर के विजिट कर लीजिए। आप लोग जब एक टीचर से जाकर के वहां पर एडमिशन कमेटी से जाकर के बात करोगे तो आपको वो पूरा आइडिया दे देंगे, आपकी एडमिशन होगी तो भी, नहीं होगी तो भी, और अगर होगी तो वो आपको फी लिंक उसी टाइम प्रोवाइड करवा देंगे और आपको बोल देंगे कि ले भाई तेरी एडमिशन हो गई है, तू फी पेमेंट कर, रिसिप्ट हमको दे और क्लासेस ज्वाइन कर। क्लासेस से रिलेटेड वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, तो अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि फिजिकल काउंसलिंग में आप लोगों को करना क्या है। फिजिकल काउंसलिंग में आपको अपना एडमिशन फॉर्म लेकर के जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट 10, 12 डीएमसी माइग्रेशन करेक्टर, जो भी डॉक्यूमेंट कैटेगरी, जो भी एक्स वाई जेड डॉक्यूमेंट आपके पास है वो लेकर के जाना है, और आप लोगों को कॉलेज में जाना है, उनसे पोलाइटली पूछना है कि ये कोर्स है मेरा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इतनी मेरी मेरिट है, क्या मेरा एडमिशन पॉसिबल है। और आप लोग अगर चंडीगढ़ से दूर से आते हो तो भी आप लोगों को इस गाइस मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप आएं, और अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो भी आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में जो है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉलेज की वेबसाइट्स पर जो है वो आप लोगों की एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म में आपको अपना नाम, अपना डिटेल्स भरनी होती है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर भरना होता है, और उसके बाद आपको कंसीडर किया जाता है, कॉलेज आपको कॉल करेगा कि आपको सीट एलोकेट हो गई। और अभी भी आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे मुझे पता है, बट जो रिकमेंड मैं कर सकता हूँ वो बेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि आप कॉलेज लेवल पर जाइए और वहां पर जाकर के एडमिशन का पता कीजिए। बाकी जो ऑनलाइन अपडेट्स आते हैं और जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके थ्रू जो अपडेट्स आते हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो गाइज अभी जो भी आपके साथ आगे होता है, आपको एडमिशन मिलती है नहीं मिलती, कॉलेज लेवल पर जाकर के क्या होता है, 20 तारीख के बाद ही जाना है, 20 से पहले जाकर के कोई फायदा नहीं। अगर नॉन सेंट्रलाइज कोर्स है तो 20 से पहले जा सकते हो, अदरवाइज 20 तारीख के बाद ही जाना है। तो जो भी अपडेट होता है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमारा काम आप लोगों की हेल्प कर रहा है। इंस्टाग्राम को नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए तो एटलीस्ट फॉलो कर ही लीजिए, और आरजे शुभम चंदे को भी व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर